हर कोने खुपचे में मफिस्टो को ढूंढे बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeesh Sir. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new video. बहुत सारे टाइम से हम मार्वल में एक विलन का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है मेफिस्टो, जो के नाइटमेयर रोम्स को कंट्रोल करता है, वहां का विलन है। हर मूवी में या हर स्टोरी में या कहीं ना कहीं हम उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन फाइनली अब एक बात कंफर्म की गई है कि मेफिस्टो आ रहा है MCU में थ्रू दी आयरन हार्ट सीरीज, जो के करेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाला है वकांडा फॉरएवर में थोड़े दिनों में। तो अभी डेडलाइन ने कंफर्म किया है कि साशा फेरन कॉइन प्ले करने वाले हैं मेफिस्टो इन आयरन हार्ट। आई एम फॉर फ्री प्रेस, फेयर इलेक्शंस एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। I can't say that. और अगर आप इस एक्टर को नहीं जानते तो मेरे लिए जाके दी डिक्टेटर देख लो, आपको पता चल जाएगा अलादीन कौन है। भाई इतनी अमेजिंग एक्टिंग करता है ना ये बंदा, इसके अंदर एक अंदर डीपर विलन है इस बंदे के अंदर। और ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे फील हुआ है कि ये कितना बुरा मेफिस्टो बन सकता है। बहुत गंदा है ये बंदा, ये कुछ भी करवाता है, जाके बस एक बार देख लो दी डिक्टेटर। ये न्यूज काफी टाइम से मार्केट में घूम रही है कि ये बंदा प्ले करने वाला है मेफिस्टो को, लेकिन मैं इतना भाव नहीं दे रहा था। लेकिन जब डेडलाइन रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया है ये, तो मैंने कहा भाई अब तो बोलना बनता है इसके ऊपर, वीडियो तो एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है। बट आई नो आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि आयरन हार्ट में मेफिस्टो को क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि आयरन हार्ट का इससे क्या ताल्लुक है। इससे तो लग रहा है अगली फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में हनुमान को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोग आफ्टर वॉचिंग आदिपुरुष। लेकिन हमें क्या पता है अभी तक आयरन हार्ट के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयरन हार्ट बेसिकली 6 एपिसोड की एक सीरीज होने वाली है डिज्नी प्लस पे, स्टारिंग डोमिनिक थोर थ्रोन, होप मैं आई एम नॉट बुचरिंग हर नेम, एज रीड्री विलियम्स हु बिकम आयरन हार्ट, जो कि MIT इंजीनियरिंग स्टूडेंट है फ्रॉम शिकागो, जो कि आयरन मैन के स्टाइल का आर्मर बना लेती है। इसको अभी हम मिलने वाले हैं मार्वल्स की वकांडा फॉरएवर में, जो कि आई गेस होने वाला है उसका Mark 1, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया है कार चेस के दौरान, और Mark 2 जो कि वकांडा में फुल ऑन पहन के उड़ जाती है। और वो हमें वकांडा की लैब में भी देखने को मिल रही है विद शूरी इन द ट्रेलर। और हार्ट शेप का वो जो वाइब्रेनियम का आर्मर बनाती है, उससे हमें फील होना चाहिए कि भाई देखो आज तक आयरन मैन ने वाइब्रेनियम का आर्मर नहीं बनाया, तो ये वाइब्रेनियम का आर्मर बनाएगी तो ये अनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगी, वाइब्रेनियम को कौन तोड़ के अंदर घुसेगा। ट्रेलर में हमें उसके अंदर का डिस्प्ले भी दिखाया जा रहा है, जो कि काफी हद तक आयरन मैन के जैसा ही था। और बाकी प्रोमोज ने हमें बहुत सारे डिफरेंट लुक्स दिए हैं आर्मर के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। और इस सीरीज के विलन होने वाले एंथनी रामोस, फाल्कन रॉबिन्स AD Wood, जो कि क्रिमिनल है, जो गन वन के साथ अटैक करता है लोगों पे, और उस गन से निकलने वाली बुलेट्स में सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। कॉमिक्स में इस बंदे को जो पावर मिली है वो बताया जाता है कि वो एक डीमन से मिली है, जो कि आगे जाके बताया जाता है कि डोरमामू है। बट रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि डोरमामू, जो कि 2017 में आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज में देखने को मिला था, उसका कोई ह्यूमन एवेटार नहीं है, वो जस्ट एक बिग पर्पल स्पेस है जो कि डार्क डिमेंशन में रहता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि उसको हटा के उसकी जगह हमें इस स्टोरी में मेफिस्टो देखने को मिलने वाला है। कॉमिक्स में ये डीमन काफी हद तक बहुत सारी ह्यूमन फॉर्म्स ले सकता है। और आयरन हार्ट का ट्रेलर D23 में भी लॉन्च किया गया था, हालांकि उसमें मेफिस्टो के बारे में कोई ईस्टर एग्स या कुछ भी नहीं दिखाया गया था। और D23 में दिखाया गया था कि इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है वो डार्क मैजिक वर्सेस टेक्नोलॉजी होने वाला है, और वो डार्क मैजिक आई गेस एंथनी को मिलने वाला है एक डीमन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब क्योंकि ना तो मैंने D23 की फुटेज देखी है ना मैं D20 में था, तो हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि हमें क्या रेफरेंस दिए गए हैं रिसेंटली मेफिस्टो के बारे में। और लव एंड थंडर में जब थोर इनिपोटेंट सिटी में जाता है तो वहां पे ज़ूस बोलता है the winner of the most human souls sacrificed in the name of a god. These gods aren't going to help, but that thunderbolt, I think that might be of use. एक अवार्ड देंगे हम उस बंदे को जिसने गॉड के नाम पे सोल्स कंज्यूम किए सबसे ज्यादा, और अवार्ड जाता है सेटन को। और शी हल्क में वो वाला एपिसोड तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो एक लड़की मेडिसन जो के टॉप हो जाती है कहीं हेल डायमेंशन में, मेडिसन जो के थी 2 एंड्स विद एन वाई, बट इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, क्योंकि आगे जाके वोंग की दोस्त भी बन जाएगी और वोंग के साथ शोज भी देखती है बैठ के रातों को। वो जब वापस आती है तो वो एक हेल डायमेंशन से निकलती है जिसके पीछे काफी चीजें थी, जो कि वो बोलती है कि एक डीमन था गॉड जिसका नाम था जिक, जो कि हमें एंड क्रेडिट में दिखाया भी जाता है उस एपिसोड के। ये बहुत सारे लाइट हार्टेड नॉट्स थे जो भी रिसेंटली मार्वल ने बनाए हैं पिछले एक साल में। अच्छा ये जो डेविल है मेफिस्टो, इसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि लोगों के दिलों से खेलता वेलता है। बहुत बड़ा जीनियस समझता है ना तू अपने आप को, दिल की लड़ाई दिमाग से। दिल से मैं खेलता नहीं और दिमाग से
खेलने देता नहीं। आयरन हार्ट नाम से काफी मिलता जुलता लग रहा है। जो इसमें लड़की आयरन हार्ट प्ले करने वाली है उसका दिल आयरन का होना चाहिए, दाग तभी वो बच सकती है। लेकिन आयरन हार्ट से स्ट्रेंथ तो मिलती है। आपको शायद वो पार्ट याद होगा जब लोकी आयरन मैन को कंट्रोल करने के लिए, उसका माइंड वॉश करने के लिए उसके इधर अपना सेप्टर लगाता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता आयरन मैन, बिकॉज ऑफ हिज आयरन हार्ट। Usually works. All performance issues, you know. हो सकता है इसी पावर की वजह से जो लड़की इस पे आयरन हार्ट प्ले कर रही है वो भी अपना दिल जा पाए और लड़ सके मेफिस्टो से। डेडलाइन ने ये भी रिपोर्ट किया है कि इस सीरीज में इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि आगे जाके एग्था केवन ऑफ केओस में भी आ सकते हैं वो आगे जाके। एग्था वैसे भी एक विच है और विच और डेवल्स का काफी हद तक एक मतलब एक ही पेज पे होते हैं लोग। कॉमिक्स में भी एग्था इज अ सर्वेंट ऑफ मेफिस्टो, तो हो सकता है कि उससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज या मे बी ये एक्टर उसमें ही देखने को मिल सकता है। और वैसे भी डार्क होल के ओरिजिन के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है उसके बारे में भी काफी सारी चीजें हो। एग्था को कैसे मिला था डार्क होल, हो सकता है एग्था को कैसे मिला था डार्क होल, हो सकता है सेटन हिमसेल्फ जो के है फिस्टो उसने दिया उसको। वैसे भी एमसीयू बहुत हद तक सुपर नेचुरल चीजों की तरफ जाने लग गया है। अगर आपने अभी रिसेंटली वेयरवुल्फ बाय नाइट देखा हो तो उसमें आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजों को बताया जा रहा था। आगे जाके वैम्पायर्स भी आने वाले हैं, ब्लेड भी आने वाला है। बाय द वे वेयरवुल्फ बाय नाइट से मुझे भेड़िया याद आ गया, भेड़िया का रिएक्शन और रिव्यू भी डाला हुआ चैनल पे, तो जाके देख सकते हो आप लोग। और ब्लेड से ज्यादा है, ब्लेड भी डिले कर दी गई है। अभी रिसेंटली बहुत सारी फिल्में डिले की गई है, हो सकता है इसलिए डिले की गई हो कि मेफिस्टो को उसमें ऐड करना हो, तब तो नहीं था, लेकिन हो सकता है रीजन इसको डिले करने का था कि भाई जो मार्शल अली थे उनको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने बोला कि भाई मुझे मूवी में काम नहीं करना क्योंकि मार्शल अली एकेडमी विनर एक्टर है, उनके कहने पे कुछ भी हो सकता है। और अब मार्शल अली को बहुत हद तक क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया गया क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट दोबारा से लिखी जा रही है, 10 महीने डिले की गई है ये मूवी, अब मार्शल अली अपने इनपुट दे सकते हैं इस स्क्रिप्ट में। भाई हो सकता है कि इसकी वजह से डिले हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हो भी सकता है कि इसी वजह से ब्लेड जाके हमारे जॉन स्नो को मिला था इन द एंड ऑफ इटर्नल मिडसंस बनाने पड़ेंगे हमें सेटन से लड़ने के लिए। यार ये थी मेरी रिपोर्ट ऑन फिस्टो, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस करेक्टर को देखने के लिए। मुझे बहुत हद तक लग रहा था हमें ये करेक्टर देखने को मिल जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, लेकिन नहीं मिला, आगे देखने को मिल रहा है। मार्वल अपने फेज 4 में कुछ ही लैंड करा पाया जैसे वो करना चाह रहा था, पर फेज 5 के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गाइस दैट इज फॉर नाउ, दिस इज माय वीडियो, अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बीलवर्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेंबर बन जाए बीलवर्स का, इसी तरह की और एंटरटेनमेंट बेस्ड खबरों के लिए जुड़ जाए मेरे साथ। एंजॉय योरसेल्फ, बाय, टेक केयर, पीस।